हे गाइस, वेलकम टू श्वेता जायका। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी। वो है वेज सैंडविच की रेसिपी। तो ये वेज सैंडविच बहुत ही टेस्टी हैं और साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम में हो या इवनिंग स्नैक्स में हो, ये सैंडविच बना के खा सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसमें 7 से 8 कटे हुए गार्लिक डाल दूंगी। तो 7 से 8 क्लोव्स गार्लिक थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। और मैंने यहाँ पे डाला है 1 बड़े साइज़ का चॉप्ड ऑनियन। और इन सारी चीज़ों को हमें जो है सॉटे कर लेना है, हमें जो है इन्हें ब्राउन नहीं करना है। अभी मैंने इसमें चॉप्ड कैरेट डाला है, ये 1/2 कप चॉप्ड कैरेट है। और अब मैं इसमें डालूंगी श्रेडेड जो है कैबेज। तो ये 1.5 कप कैबेज है श्रेडेड। और अभी मैंने इसमें 1/2 कप डाल दिया है बीट रूट। तो चॉप बीट रूट भी मैंने डाल दिया यहाँ पे, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। और डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है बीट रूट से। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप स्लाइस में कटे हुए कैप्सिकम और 1 कप मैंने बॉइल्ड कॉर्न डाला है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को हमें सॉटे कर लेना है। तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है सब्जियों को, ये ध्यान में रखना है। ये सारी वेजिटेबल्स हमें जो है 1/2 कुक ही करनी है। और यहाँ पे मैं मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और मैंने यहाँ पे सॉल्ट भी डाल दिया है। अभी ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो हमें इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें इन्हें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट से ज़्यादा इन्हें कुक नहीं किया है। और चलिए अब इसे मैं ठंडा कर लूँगी निकाल के बोल में। तो आप थोड़ा सा ही ठंडा करिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल के अंदर निकाल लिया है। तो आप इस तरह से ये वेजिटेबल बना के रख सकते हैं और आपको जब सैंडविच बनाना हो तो बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये 1 कप दही। तो ये दही जो का पानी मैंने निकाल लिया था। तो आपने क्या करना है, हंकड़ी यूज़ करना है, पानी वाला दही नहीं यूज़ करिएगा। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ ये फ्रेश जो है स्पिनिच है, ये मेरे गार्डन के स्पिनिच हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं ये। और यहाँ पे मैंने जो है डाल दी है थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो ये हरी धनिया की पत्ती भी कटी हुई मैंने डाल दी है इसके अंदर। और इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो गाइस, बिना चीज़ के और बिना मेयोनीज के ये सैंडविच इतनी बढ़िया बन के तैयार होती है ना कि आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें चीज़ नहीं ऐड किया है या मेयोनीज नहीं ऐड किया है। बिल्कुल मेयोनीज और चीज़ का टेस्ट आपको आएगा ये सैंडविच खा के। तो इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और साथ साथ मेयोनीज़ और चीज़ दोनों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड स्लाइस के ऊपर इसे ये सारी वेजिटेबल्स लगा लूँगी इस तरह से। तो आप जैसे सैंडविच बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है इसको। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो कि ब्रेड के ऊपर बटर लगा के फिर ये वेजिटेबल्स लगाओ। ये मैंने यहाँ पे बटर नहीं यूज़ किया है और यहाँ पे मैं दूसरी ब्रेड लगा रही हूँ। तो चलिए, ये ग्रिल पैन मैंने ले ली है एक और इसके ऊपर मैं जो है लगा रही हूँ थोड़ा सा घी। तो आप यहाँ पे बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो है मैंने सैंडविच को रख दिया है ये ग्रिल पैन के ऊपर और हमें इसे जैसे सैंडविच सेकते हैं हम, बिल्कुल उसी तरह से ये ग्रिल पैन के ऊपर सेक लेना है। तो दोनों साइड से इस तरह से, एक साइड से तो मैंने घी लगा ही दिया था, दूसरे साइड में भी इस तरह से घी मैंने लगा दिया है और इसे हम जो है अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। तो गाइज, ये सैंडविच ना सभी को बहुत पसंद आने वाली है और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे या स्नैक्स के टाइम पे इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, दोनों साइड से मैंने क्रिस्पी इसको बना लिया है और मैं अब इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं इसमें ना मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है और ना ही जो है मैंने मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से मैंने इसको हेल्दी बनाया है और ये वेजिटेबल्स इसमें दिख रहे हैं कितना कलरफुल और कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप भी ये वाले सैंडविच ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये वेज सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर भी करें। इसके साथ साथ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी करें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइस इसी तरह की टेस्टी और यमी रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।